जय दादी की। दोस्तों, आज मैं आपको हरियाणा में और नोहर में किस तरह से रातिजुका दिया जाता है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। दोस्तों, उसमें उनमें क्या होता है कि सबसे पहले मूंग धड़ा लिया जाता है नीम की डाली पर, जो कि मूंग धड़ा लेने के बाद उस नीम की डाली को लाकर जहाँ रातिजुका का स्थान होता है वहाँ रख दिया जाता है। फिर एक चौकी के ऊपर में लाल कपड़ा बिछा के, दोस्तों, घर की जो बहन बेटी होती है वो खड़िया माटी और हिरमच को मिलाकर अपने हाथ से गणेश जी बनाती है, उनको कुंडे में विराजमान करके फिर घर के बाहर एक कंवारी लड़की को लेकर खड़ा कर दिया जाता है, जिसमें बनड़े या बनड़े की माँ गीत गाते हुए अपने परिवार के लोगों के साथ जाती है और गणेश जी को आमंत्रण करके घर के अंदर लेकर आती है और उस चौकी पर विराजमान करती है जहाँ रातिजुका लिया जाएगा। वहाँ उनको लड्डू से भोग लगाकर उनकी रोली और चावल से टीका निकाला जाता है। उसके बाद, दोस्तों, रातिजुका की तैयारी होती है जिसमें बहन बेटी एक गत्ता के ऊपर में चार्ट पेपर लगाकर हिरमच को घोल के ईयरबड की सहायता से बहुत सुंदर सा थापा मारती है मंदिर जैसा। सामने में एक टोपिया में चावल रखा जाता है, उसमें कांसे की कटोरी, उसमें नाल की बत्ती बनाकर और उसमें घी डाला जाता है। एक कटोरी में पिट्ठी घोलकर आटा, हल्दी और पानी मिलाकर पिट्ठी बनाई जाती है, वो घोलकर रख दी जाती है। सूखी मेहंदी रखते हैं, दोस्तों। रोली चावल धोखा पूजी के लिए रखा जाता है। आखा डालने के लिए मूंग चावल मिलाकर रखा जाता है। भोग के लिए यहाँ पर मिश्री और काली मिर्ची, जो साबुत काली मिर्ची होती है, उसका भोग रखा जाता है। दिए को ढकने के लिए चलनी रखी जाती है। हम लोग खुद अपने टीका निकालते हैं, उसके लिए रोली चावल अलग से रखा जाता है। हम लोग जो मेहंदी लगाएंगे रातिजुका में रात में, उसके लिए अलग से मेहंदी घोल के रखी जाती है। इतना सब कुछ तैयारी होने के बाद जो बनड़ा या बनड़ी होता है, दोस्तों, उनको बुलाकर उसके सीधे हाथ में पिट्ठी लगाकर इस थापा के बीचों बीच उसके हाथ का थापा पिट्ठी का दिया जाता है और उल्टे हाथ में जो सूखी मेहंदी रखी है उसको तुरंत खोलकर और मेहंदी के हाथ का थापा लगाते हैं, जिससे उसका कलर जो है मेहंदी का वो बनड़ी के या बनड़े के हाथ में नहीं आता है। फिर उसके बाद में थापा देने के बाद में वो लोग जब थापा दे देते हैं, बनड़ी के पापा मम्मी को या घर के किसी भी बड़े को बुलाकर दिया चसाया जाता है। दिया चासने के बाद में 7 बजे के बाद दिया चासते हैं तो सबसे पहले वो लोग आखा डालते हैं, दोस्तों। उसके बाद में बनड़ी या बनड़ा होता है वो आखा डालते हैं। उसके बाद में घर के जितने भी बहू बेटे पोते होते वो आखा डालते हैं, दोस्तों। बहन बेटियां आखा नहीं डालती है और किसी किसी घर में क्या होता है, पिट्ठी का थापा नहीं लगाया जाता है, दोस्तों। तो इस तरह से मेहंदी और घी के हाथ का थापा लगाते हैं। थापा मांडने का जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है, बस उसमें थापा घी का और इसका लगाया जाता है और उसके ऊपर इस तरह से सराई को उल्टी करके आटे की सहायता से चिपकाया जाता है और नाल की जोड़ी को चिपकाते हैं, दोस्तों। फिर उसके बाद में जब सारा थापा का धोखा पूजी हो जाता है तब गीत शुरू होते हैं, दोस्तों। गीत का जो प्रोसेस है वो सेम ही जो सबके घर में गाए जाते हैं, वही गीत रातिजुका का, रात का और सुबह का गीत कुछ अलग नहीं होता है, वही गाया जाता है। उसके बाद में जब ब्याह का सारा काम संपन्न हो जाता है तो ये टोपिया के अंदर का चावल जो है, और यहाँ पर जो भी अगर धोखा पूजी के टाइम पे कोई पैसा चढ़ाए तो वो बहन बेटी ले लेती है, इस थापा को उठाकर 1.5 साल के लिए मंदिर में रख दिया जाता है और बाकी सारा सामान विसर्जन कर दिया जाता है, दोस्तों। इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से ये रातिजुका का काम संपन्न होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा और आपके कोई भी क्वेश्चन हो, दोस्तों, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इनके आंसर दूंगी। जय दादी की।